हेलो फ्रेंड्स, नवरात्र आ चुकी है। मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। मैं इस रूम में सिर्फ पोछा पोछा लगाती हूँ नवरात्र तक। इसमें झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि मैंने माता की चौकी लगाई है। अब मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया है, वहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आने दे रही हूँ और ताज़ी हवा, जिससे क्या होता है घर में निगेटिवनेस नहीं आती है। अगर थोड़ी सी भी निगेटिवनेस होती है तो उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। डेली अगर आप घर का दरवाज़ा खोल के अंदर सूरज की किरणें आने देंगे, ताज़ी हवा आने देंगे, तो जितनी भी घर में बुराइयाँ होती हैं वो बाहर जाती हैं। तो देखिए सूरज निकल चुका है, कितना अच्छा मतलब बाहर फील हो रहा है। अब मैंने पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। मैंने उपला ले लिया है और पूजा की सामग्री तैयार कर ली है, जो कि मैं माता को भोग लगाऊंगी। इसमें मैंने लौंग इलायची और जो भी सामग्री इस्तेमाल होती है वो मैंने ले ली है, पान का पत्ता वगैरह। तो अब मैंने माता की चौकी तैयार कर ली है और दिया वगैरह सब जला लिया है, माता को भोग भी लगा दिया है। अब मैं माता की आरती करने जा रही हूँ। मैं माता की आरती कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से आरती होती है, घी वगैरह चढ़ाती जा रही हूँ उसमें, और मैं लौंग वगैरह जो भी पूजा की सामग्री है उसमें मैंने माता रानी को अर्पित कर दिया है। क्या आपने भी माता की चौकी लगाई है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्या आप भी इस तरीके से पूजा करते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से पूजा करती हूँ। सबकी अलग अलग विधि होती है पूजा करने की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पूजा होने के बाद मैं सारे रूमों में हवन का जो भी धुआं है इसको सब रूमों में ज़रूर दिखाती हूँ। उससे क्या होता है, जितनी भी निगेटिवनेस है वो सब ख़त्म होती है। पूरे 9 दिन मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह शाम।